यहाँ पे देख सकते हो मेरी मम्मी रेडी हो चुकी है, जा रही है जल ढारने, क्योंकि आज है सोमवार और सोमवार है। तेरा भी बचपन में होता था यार, क्या करता था? मेरा तो ज्यादा होता था। ठीक है बेटा, मम्मी देखे कितना स्वादिष्ट चिंगड़ी मांस बनाई है। चिंगड़ी है बोलते हैं, चिंगड़ी मांस। Hey guys, welcome back to our channel, तो कैसे आप लोग? मैं चारों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और वीडियो भी देख रहे होंगे। तो गाइस, चांदनी जा रही है, अभी हम जा रहे हैं। मम्मी क्या क्योंकि जो काम था वो तो काम हुआ नहीं, इसलिए उनको जाना पड़ा। या बारिश हो रहा है क्या? नहीं, बारिश क्या वाला कहाँ है भाई? चलिए, कल आए थे, बहुत ही मस्त। वहाँ पे हस्बैंड नहीं जा रहे, हम अकेले जा रहे हैं, क्योंकि उनका कुछ काम है भैया भाभी के साथ, तो वो यहीं रुकेंगे, है कि नहीं? हमको अकेले जाने के लिए बोल रहा है, पता नहीं कहाँ है। और कुछ देर बारिश भी हुआ था, कुछ देर पहले ही हुआ था, कुछ देर पहले हुआ था। मौसम यहाँ का बहुत सेक्सी लगता है। आज हम अपना ये करवाए हैं, क्या करो, मसाज। बहुत ही अच्छा से मसाज किया था और बाल भी पहले जैसा फिर बना लिया है। तो गाइस, मैं चल जाऊंगा बिहार अपना घर, और ये रहेगी अपने घर अभी कुछ दिन, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अभी पर कल आएंगे ना, देखते हैं, आप आएंगे तो आएंगे, क्या आएंगे। गाड़ी आ गया, चले गाइस, हमारा गाड़ी आ चुका है और ये अकेला जा रही है। अच्छे जाना, फोन कर देना, ठीक है? ठीक है, जाओ, कॉल करना पहुंच के, ठीक है? लो फोन भैया, कोड है 5778। पेमेंट कर देना भैया को, 5778। बाय। जी, उधर से। तो है गाइस, अभी घर पहुंच चुके हैं और जैसे हम घर मतलब रास्ता पे देख रहे हैं, मम्मी और मौसी खड़े हुए हैं, तो बोले कि तुम आ रही थी ना अकेले, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े थे। तो बोले अच्छा, क्योंकि हम उधर से तो अकेले आए, हमको तो डर लग रहा था। पहला बार हम फर्स्ट बार मतलब अकेले गाड़ी में आए हैं, क्योंकि कभी भी अकेले नहीं गए हैं गाड़ी में। पता नहीं, याद नहीं होगा, पर हमको हो जाता कि हम आज तक नहीं गए थे अकेले, और पहला बार आए थे तो थोड़ा डर लग रहा था। तो मेरा हस्बैंड भी कॉल करके पूछ रहा था कि पहुँची कि नहीं पहुँची, पहुँची तभी पहुँच चुके, तभी उनको भी कॉल करके बोल देंगे, नहीं तो फ्रेंड वो भी थोड़ा टेंशन में पहुँचे हैं कि नहीं। यहाँ मम्मी, मौसी रास्ते पे हमको मिल गए, हम देखे इसका क्यों खड़े हैं। तो चलिए, अभी घर पहुँच जाते हैं, तो मतलब पहुँच गए हैं, तो थोड़ा सा रेस्ट करते, क्योंकि बहुत ही थकावट हो गया है। और भाभी के यहाँ तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, वहाँ पर थोड़ा अच्छा लग रहा था, पर क्या है, फिर जाएंगे 1-2 तारीख को, फिर से भाभी के यहाँ जाएंगे, तो फिर वहाँ फिर मजा करेंगे, तब तो सब रहेगा। भाभी को तो अभी दौड़ मतलब हॉस्पिटल से घर ऐसे आना जाना लगा रहता है, तो हम बोल दे भाभी, क्योंकि अभी क्योंकि मम्म का तो तबीयत ख़राब है, और उनका उसका जो हाथ में ऑपरेशन हुआ है, मतलब ऑपरेशन तो हो चुका है, अभी पूरा अच्छे से ठीक है, और उसको छुट्टी मिल जाएगा कल परसों, ऐसे तो भाभी बोली है, वो उतना तो पता नहीं है, पर मिल जाएगा बहुत जल्दी छुट्टी, क्योंकि मम्म से जब हम मिले तो बहुत ही अच्छी थी, और उससे तबीयत पूछे कैसे, तो वो ठीक है, बहुत अच्छा से बात भी की हमसे,
तो ऐसा ही रहना चाहिए। और ऐसी प्लीज मम्मा को जितना जल्दी हो सके अच्छा बना दे, जैसे पहले हंसती खेलती थी। यहाँ पे दूध बोल रहा है और दीदी बना रही है मॉमलेट, क्योंकि हम अभी खाना नहीं खाया। मेरा लाल साग बना हुआ है, मेरा फेवरेट साग। और यहाँ पे मौसी बैठी हुई है, मौसी को थोड़ा मौसा का याद आ गया जो रोने पर है, तो उसका ब्लॉक नहीं ली क्योंकि अच्छा नहीं लगता है ऐसे। और यहाँ पे मम्मी भी थोड़ा सा सैड हो गए थे मौसी को देख के, और देख सकते हैं क्योंकि इतना बड़ा जो घटना घटा था उसको तो अभी तक कोई भूल नहीं सकता है, इसलिए मौसी रो रही थी। तो चलिए अभी हम कुछ खाना खाते हैं, क्योंकि जब से आए हैं तब से कुछ नहीं खाया, और कुछ खाएंगे उसके बाद मिलते हैं आप लोग से। और मेरे जो हस्बैंड वो कल आएंगे, क्योंकि उनका आज काम था भाभी लोग के साथ, तो वही काम में मतलब हम लोग लगे हुए हैं, तो वहाँ पे मतलब मम्मी पापा के ही हैं। तो चलिए मिलते हैं कुछ ही देर के बाद, कुछ खाते हैं। गाइस को भी खाना उना आ चुका है और जा रहे खाने, क्योंकि बहुत ज़ोर से भूख लगा हुआ था और लेट करके सोए थे, इसलिए लेट करके उठे। अभी तो बज रहा है कुछ 12, तो चलिए खाना भी खाते हैं। और मेरा हस्बैंड अभी तक नहीं आया है, मम्मी पापा के यहाँ आई है, देखते हैं कब तक आते हैं। और उनका ट्रेन भी है आज का, मतलब बिहार जाने का। और इधर देख सकते हो खाना, यहाँ चिंगड़ी माछ है, वहाँ मौसी भी खा रही है। और जो चिंगड़ी माछ इसलिए बना था क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो हमको रात को बोले थे कि बनाना, तो भी बन चुका है पर अभी तक आया नहीं है। उनके लिए तो रहेगा पर गरम गरम सा चिंगड़ी माछ खाने में कुछ और ही मज़ा रहता है। तो चलिए हम तो खाते हैं, वो उनका इंतज़ार करते हैं कि कब तक आते हैं, क्योंकि उनको चिंगड़ी माछ बहुत ही पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए चलिए खाना स्टार्ट करते हैं, मिलते हैं कुछ ही देर के बाद। वो आते हैं तो मिलते, पता नहीं कब तक आएंगे, उसका ट्रेन भी है। यहाँ दिव्या भी रेडी हो चुकी। दिव्या अच्छी लग रही हो, तो चलो गाइस मिलते हैं कुछ ही देर के बाद। यहाँ पे देख सकते हो मेरी मम्मी रेडी हो चुकी है, जा रही है जल ढारने, क्योंकि आज है सोमवार और सोमवार है तो मम्मी पूजा करती है, तो पूरा अच्छा से हरियर हरियर साड़ी नहीं लाल भी अच्छा लगे, तो पूरा अच्छा से रेडी हो जाएंगे। और अभी तो हम खा ही रहे हैं, देख सकते हो। चलिए मम्मी तो पूरा अच्छा से रेडी भी हो गई है, अब जाएगी पूजा। हाँ पापा उधर बोले लिपस्टिक पिस्टिक लगा लेने के लिए, तो चलिए मम्मी तो अभी जा रही है जल ढारने। ठीक है तो गाइस काफ़ी टाइम, मतलब काफ़ी टाइम क्या, दो दिन हो गया। और मायरा ने मुझे पानी में गिराया था ना, बाय अभी बताता हूँ इसको, बाय करो, बाय नहीं करेगी, हाँ नहीं करेगी, तुम बाय नहीं करती हो किसी को भी, हाँ बाय नहीं करेगी, कैसा इंसान हो गई है तू, ओके ओके भाभी फेस नहीं दिखा सकते। आज सो के उठे हैं आप अभी, बाबू तेरा भी बचपन में होता था यार, क्या करता, मेरा तो ज्यादा होता था। ठीक है बेटा चलो भाई, हम दोनों आज कितना अच्छा काला काला पहने हैं, क्या जा रहे हम चांद सितारे। तो गाइस अभी जाएंगे ससुराल अपना, और ससुराल से जाएंगे अपना बिहार, और बिहार से जाएंगे अपना दादी के घर, वो सब आपको ब्लॉग मिल जाएगा बाद में, बट जो होने वाला मेरे साथ वो पहले आपको बता दिए, क्योंकि गाइस
ससुराल क्यों आए हैं, मम्मी क्या बोल रही थी, बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था। देखिए हम ऐसा नहीं कमेंट्स नहीं देखते, सबका कमेंट्स देखते हैं और क्या बताऊँ, अच्छा लगता है। लेकिन कोई कोई कमेंट्स हर्ट भी करता है, बुरा लगता है। तो चलिए अभी मेट्रो लेंगे और चांदनी से मिलवाते हैं आपको। हम एक गए थे हम लोग अवार्ड शो में, मेरा अवार्ड शो नहीं था, मतलब भैया भाभी को मिला, बहुत अच्छा लगा। बेस्ट कपल अवार्ड यूट्यूबर लोग को भी दे रहा था, तो भैया थे, भाभी थे और एक और जन था, मतलब सायक भैया जैसे जानते हैं, उनको भी मिला। अभी बज रहा है 3 और मौसम देख रहे हो आप लोग, एकदम मस्त लग रहा है। तो चलिए उत्तरपाड़ा में मिलते हैं आप लोगों से। और जो मेरे हस्बैंड है वो दागनेसर पहुंच चुके हैं, मेरे साथ जा रही है मौसी, मम्मी और दीदी नहीं जा रही क्योंकि दीदी है प्रेग्नेंट, इसीलिए दीदी नहीं जा रही है। तो अभी घर में है दिव्या को लेके, और अभी हम सब जा रहे हैं। तो चलिए, और कौन सा आज सोमवार आ रहे हैं आप लोगों को वो मार्केट हम दिखाए होंगे, मतलब कोई को ब्लॉग में दिखे होगा। और ये मार्केट बहुत ही सस्ता, मतलब अच्छा अच्छा चीज़ इसमें सस्ता मिल जाता है, इसीलिए हमको पसंद पड़ता है। तो कभी जाते तो कुछ अच्छा लगता है, जो लेते हैं नहीं अच्छा लगता तो नहीं लेते, उतना पसंद नहीं आता है तो नहीं लेते हैं। तो चलिए सावन में हरी थोड़ी पहनना चाहिए, तो यहाँ पे पहन रही है। यहाँ पे काफी भीड़ लगता है, लेकिन ये हफ्ता बाजार के नाम से जाना जाता है इधर। दादी को कम सुनाई देता है, देख सकते हो माइक्रो लगाई है। और घर भी पहुंच चुके हैं, ठीक ठीक। यहाँ दिव्या सो गई है अभी, तुरंत तुरंत सोई है, और उसके लिए हम लोग केक भी लाए हैं। पर तो अपना कपड़ा क्या क्या लिए, हम तो ले लिए हैं। हाँ? सावन के लिए ले लिए। हम तो कुछ नहीं लिए, ये ब्लैक लिए गाइस, ये बहुत ही ब्लैक पहनते हैं बाबा रे बाबा। ये ब्लैक पैंट लिए, अभी ब्लैक पहना हुआ है, ठीक है। सावन में ये पहन के नहीं चल पाइएगा बाबू। अरे उसके लिए अलग से लेंगे ना, इतना सारा एक पैंट नहीं था तो एक पैंट लिया। अरे एक शर्ट लिए, ये पैंट कैसा दिख रहा है? अच्छा, एक ब्लैक पैंट और लिए जो कि फुल्ली ब्लैक है, ये कहीं कुछ नहीं। और एक ये कलर, तो कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। थैंक यू, आई लव यू। सड़िया देना गाइस, ये इतना सारा एक बार में कपड़ा ले लेता है, मेरा एक दो का कपड़ा टी शर्ट ले लेगा वो सो जाएगा। लेके जाना मॉल या कहीं पे भी जाना, ले लेना। मौसम नहीं लेंगे कपड़ा तो कहाँ से, हमको होता ही नहीं है फिट। ये मेरा टी शर्ट मत पहना करो यार, बहुत महंगा टी शर्ट है वो। गाइस इनका जो भी कपड़ा होता है हम पहनते हैं क्योंकि हमको अच्छा लगता है। खाना खा रहे हैं और बहुत लेट करके आए, और अभी निकलने वाले भी हैं। सुबह से स्वयं बोले थे हमको 8 बजे आ जाएंगे और बजा दिए 7:06। क्या करे, काम रहता है। हाँ हाँ, वो तो देख के पता चलता ही है गाइस कितना। और गाइस मम्मी देखे कितना स्वादिष्ट चिंगड़ी मांस बनाई है, चिंगड़ी है बोलते हैं, चिंगड़ी मांस ये। और ये इनको बहुत ही पसंद है कि नहीं? पसंद नहीं है, तुम खिला रही हो। हाँ, रियल में पसंद नहीं है, नहीं पसंद है, पसंद तो है। तो गाइस ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, ये तो अब निकलने वाले हैं, तो अभी क्या क्या होता है वो आपको अगले ब्लॉग में पता चल जाएगा। अभी फिलहाल
फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब के लिए बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, नहीं तो बनाते मतलब बहुत ही लंबा ब्लॉग बन जाएगा, इसलिए बाय बाय बाय।